लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा और आइए नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों की ओर। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जाने वाले सेमीफाइनल मुकाबले में बारिश ने बाधा डाल दी है। मैच के टॉस के लिए बारिश के रुकने का इंतजार किया जा रहा है। पहली बार फाइनल में जगह बनाने की कोशिशों में जुटी भारतीय महिला क्रिकेट टीम गुरुवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर होने वाले आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भिड़ने के लिए तैयार है, लेकिन बारिश के कारण मैच के टॉस में देरी हो रही है। भारतीय टीम ग्रुप ए में अपने सभी चारों मैच जीतकर 8 अंकों के साथ शीर्ष पर रहते हुए सेमीफाइनल में पहुंची है, जहां अब उसके सामने एक ऐसी प्रतिद्वंद्वी खड़ी है जिससे उसे अपनी पिछली कई हार का बदला चुकता करना है। टी20 विश्व कप में भारत को इंग्लैंड के साथ अपने कई हिसाब बराबर करने हैं। भारतीय गेंदबाजों को अगर इंग्लैंड को बड़े स्कोर से रोकना है तो उसे नटाली की बल्लेबाजी पर रोक लगानी होगी। सेमीफाइनल में हालांकि बारिश की संभावना जताई गई है और यहां पर मैच के दिन 80% तक बारिश होने की अनुमान लगाए गए हैं। ऐसी परिस्थितियों में अगर मैच रद्द भी होता है तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के फाइनल में पहुंचने की संभावना है। फाइनल के लिए पहले ही 50,000 टिकटें बिक चुकी हैं। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।